झारखंड समाचार। जॉब कार्ड 3 वर्षों के लिए मान्य होगा, श्रमिकों को स्थानीय निकायों में काम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निबंधन शुरू कर दिया है। रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक शहरी बेरोजगार प्रज्ञा केंद्र जाकर msy.jharkhand.gov.in पर जाकर स्वयं निबंधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। वेब पोर्टल पर आवेदन देने के बाद श्रमिकों को पोर्टल जनित यूनिक आवेदन का निबंधन संख्या उनके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। श्रमिक इसी वेब पोर्टल पर वार्डो के सामुदायिक संसाधन सेविका या नगर निकाय कार्यक्रम के NULM कोषांग से जॉब कार्ड भी प्राप्त कर सकेंगे। जॉब कार्ड 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। आवेदन करने वाले श्रमिकों को स्थानीय निकायों द्वारा काम किया जाएगा। काम नहीं देने की स्थिति में उनको 1 से 3 हजार रुपये तक बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 3 दिवसीय दुमका दौरा, उपचुनाव को लेकर कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राज्य के विधानसभा उपचुनाव की आहट के साथ ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कवायद आरंभ कर दी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को उपराजधानी दुमका का रुख करेंगे। वे यहां 3 दिनों तक कैंप कर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दुमका विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दौरे के पूर्व अपने कैबिनेट सहयोगी मिथिलेश कुमार ठाकुर को दुमका रवाना किया था। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी वापस लौटे। जानिए क्या है इनकी मांगे। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों के 2350 सहायक पुलिसकर्मी तीसरे दिन भी स्थानीय मांग को लेकर रांची के मोरावादी मैदान में डटे रहे। कल वे मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने निकले थे। इस दौरान रांची SSP व CTSP से बातचीत के बाद वे वापस मोरावादी मैदान लौट आए। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से वे आंदोलित हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। वे CM हेमंत सोरेन से वार्ता की मांग पर अड़े हैं। गोड्डा की DDC अंजलि यादव ने कहा, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला तो कार्रवाई तय। खबर गोड्डा के ठाकुर घंटी से है। प्रखंड कार्यालय के मनरेगा भवन सभागार में उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने सोमवार को विभिन्न पंचायतों के पंचायत सेवकों, रोजगार सेवकों, कनीय अभियंता, प्रखंड कार्य पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सभी पंचायत कर्मियों को प्रतिदिन न्यूनतम 10 योजनाओं में 100 मजदूरों को काम देना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। जिस पंचायत में नियमानुसार योजना नहीं चलेगी और मापदंड के आधार पर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो संबंधित कर्मियों पर व पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये 4 सरकारी पेंशन स्कीम बुढ़ापे में भी कराएंगी बम्पर कमाई, हर महीने होगी इतनी इनकम। अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इस योजना के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। पेंशन योजना के तहत कम से कम 1000 रुपया और अधिकतम 5000 रुपया मासिक पेंशन मिल सकती है। बता दें 60 साल की उम्र से आपको अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इस पेंशन योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2019 में की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी, यानी आपको सालाना 36000 रुपये मिलेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम के जरिए अब तक करीब 43.7 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मेडिका के बाद राज अस्पताल में अधिक बिल लेने का मामला। कोरोना संकट होने तथा सरकार की सख्ती के बाद भी राजधानी के निजी अस्पताल मरीजों के मनमाना पैसा वसूल रहा है। मेडिका अस्पताल के बाद अब राज अस्पताल में इलाज के अधिक बिल का मामला सामने आया है। पलामू निवासी मरीज राजकुमारी देवी से 5 दिन में इलाज के नाम पर 2,16,000 रुपये लिए गए। परिजनों का कहना है कि एक बार कोरोना पॉजिटिव बताया गया, वही दूसरी बार नेगेटिव होने की रिपोर्ट दी गई। अधिक खर्च होने पर रिम्स के कोविड अस्पताल में रेफर करने का आग्रह किया, लेकिन छुट्टी नहीं दी जा रही है। परिजनों का कहना है कि राजकुमारी को सिर में चोट लगने पर 8 सितंबर को पलामू से रांची लाकर राज अस्पताल भर्ती कराया गया।
दो दिन के इलाज के बाद अस्पताल द्वारा सिर के ऑपरेशन की सलाह दी गई। ऑपरेशन में 1,05,000 होने का एस्टीमेट दिया गया है। बिरसा हरित क्रांति से लाभान्वित हो रहे हैं युवा किसान। खबर देवघर के सारण से है। बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत प्रखंड क्षेत्र के सारण पंचायत का एकमात्र गांव रानीगंज, जहां 2.5 एकड़ भूभाग पर 2 लाभुकों द्वारा आम बागवानी की गई। आम की बागवानी के साथ उसी स्थल पर पपीते एवं सब्जी की खेती कर दोहरा लाभ कमाने की जुगत में है। युवा किसान कैलाशनाथ सिंह ने कहा, सरकार की अन्य योजनाओं में यह सबसे उपयोगी योजना है। उनका कहना है कि 1.5 एकड़ जमीन वर्षों से बेकार पड़ी थी। लॉकडाउन के दौरान कोई काम नहीं होने के वजह से घर में खाली बैठा था। इसी दौरान सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के बारे में जानकारी मिली। उसी पल इस योजना का लाभ उठाने का मन बना लिया। वर्षों से खाली पड़ी जमीन का उपयोग सिद्ध हो गया। झारखंड से दिल्ली ले जाकर बेचे गए 66 बच्चे घर वापसी के इंतजार में। किसी की माँ अब नहीं है तो किसी के बाप। झारखंड के खूंटी जिले की एक बच्ची को दलाल ने 7 साल पहले दिल्ली भेज दिया था। उसके यहाँ 1 साल तक काम किया, भागने की कोशिश की तो दलाल ने फिर उसे दिल्ली के कुंवर सिंह नगर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ 10 लड़कों ने उसके साथ रेप किया और यहाँ सिलसिला 6 सालों तक चलता रहा। कई दिनों तक एक ही कमरे में बंद रखा गया। कुछ दिनों बाद फिर किसी और जगह काम लाया जाता था। यहाँ भी शारीरिक शोषण, जब भी उसने भागने की कोशिश की उसे जमकर पीटा जाता। 6 महीने पहले दिल्ली से ही रोहिणी सेक्टर 11 में उसे किसी और के घर काम रखा गया। यहाँ मकान मालकिन ने जब उसकी कहानी सुनी तो तत्काल दिल्ली महिला आयोग को सूचित किया। बीते 6 सितंबर को वह बरामद की गई। फिलहाल झारखंड लौटने का इंतजार कर रही है। 5 अक्टूबर तक चलेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान। खबर गोड्डा के महागामा से है। महागा नावर चौक स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयोजक सौरभ कुमार झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2020-21 सदस्यता अभियान को लेकर की चर्चा की गई। वहीं कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन सदस्यता अभियान से जोड़ा गया। साथ ही सदस्यता अभियान को जोड़ने के लिए योजना भी बनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से छात्र छात्राएं अधिक से अधिक विधि परिषद से जुड़ सके। साथ ही जिला संयोजक सौरभ कुमार ने बताया कि 14 सितंबर विद्यार्थी परिषद का व्यापक सदस्यता अभियान की तिथि रहने के कारण 500 सदस्यों को विद्यार्थी परिषद से जोड़ने का लक्ष्य लिया गया है। नई शिक्षा नीति से भारत की प्राचीन शिक्षा की परंपरा को जीवंत करने का प्रयास। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड की ओर से रविवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजीव कुमार वर्मा ने कहा कि अब तक की शिक्षा नीति पश्चिम के अंधाधुकरण में लगा था, लेकिन वर्तमान नीति भारतीय मानस और सोच के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रखती है। नई शिक्षा नीति से भारत की प्राचीन शिक्षा की परंपरा को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। 21 सितंबर से स्कूलों में फिर लौटेगी रौनक। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। केंद्र स्वास्थ्य की और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा निर्देश की एक तस्वीर साझा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया। उस शिक्षा संस्थानों ने 21 सितंबर से प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार कुर्सियों और डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कक्षा में गतिविधियों अलग अलग समय पर होगी, पर्याप्त शारीरिक दूरी होगी और क्लासरूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा एकेडमी शेड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला जुला समय निर्धारित होना चाहिए। शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और छात्र शिक्षक गतिविधियों के दौरान मास्क लगा कर रखें। छात्रों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसे वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार मानसून सत्र के लिए पहुंची दिल्ली फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला सोमवार से
शुरू हो रहे लोकसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए रविवार को पहुंचे दिल्ली। केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। लोकसभा पिछले 2 सत्रों के दौरान अब्दुल्ला हिरासत में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर बेहोश होने के बाद मलयालम अभिनेता परवीज का निधन। कोची में फिल्म की शूटिंग के दौरान मलयालम अभिनेता और डबिंग आर्टिस्ट परवीज बेहोश होकर गिर पड़े और उनका निधन हो गया। सहकर्मियों के अनुसार उन्होंने जब परवीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो कोई वाहन नहीं रुका। एक सदस्य को बाद में उनकी जेब से कार की चाबी मिली तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। एनडीए की तरफ से राज्यसभा के उपसभापति पद के उम्मीदवार जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार सदन के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह के निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सांसद की निष्पक्ष भूमि हमारे लोकतंत्र को मजबूती करती है। पूरे सदन और देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी बोले, कोरोना है तो कर्तव्य भी है। सांसद ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधन करते हुए कहा, कोरोना भी है तो कर्तव्य भी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा, मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। शनिवार रविवार भी इस बार रद्द की गई है, लेकिन सभी ने इसका स्वागत किया है। यूपी सरकार ने बनाई नई स्पेशल फोर्स, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का होगा अधिकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है, जिसके पास बिना वारंट के तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। अवनीश अवस्थी के मुताबिक शुरुआत में 5 बटालियन बनेगी, जिस पर 1747.6 करोड़ का खर्च अनुमानित है। यह फोर्स प्रदेश के न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालयों, तीर्थ स्थलों, मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डा, शैक्षणिक औद्योगिक संस्थानों आदि की सुरक्षा करेगी। हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारतीय संस्कृति का अटूट अंग व राष्ट्रीय एकता का प्रभावी माध्यम है हिंदी। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है, हिंदी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। स्वतंत्र संग्राम के समय से यह राष्ट्रीय एकता और असीमता का प्रभावी और शक्तिशाली माध्यम रही है। उन्होंने कहा, हिंदी ने अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत किया है। इसने खबर है झारखंड से। झारखंड के 30 लाख किसानों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। राज्य के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने की राज्य सरकार की कोशिश रंग लाती दिख रही है। पीएम किसान के तहत राज्य में करीब 30 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सत्यापन होने के बाद इन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 15.5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पीएम किसान से सभी किसानों को जोड़ने के लिए कृषि विभाग के स्तर से 1 माह का विशेष अभियान चलाया गया। परिणाम 30 लाख से अधिक किसानों के रजिस्ट्रेशन के रूप में सामने आया। हालांकि लक्ष्य 32 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से लाभ जोड़ने का था। जिन नए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया उसका ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा गया है। पी के तहत उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 1306.87 लाख एलपीजी रिफिल जारी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कंपनियों ने अगस्त 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1306.87 लाख एलपीजी रिफिल जारी किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ नई एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पिछले सितंबर में पूरा कर लिया था। खबर है दिल्ली से। देश में सबसे ज्यादा घनी और गरीब आबादी वाले दिल्ली के इस जिले में आधे परिवार के पास राशन कार्ड नहीं, तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दिल्ली के 11 जिले में उत्तरी पूर्वी दिल्ली देश का सबसे ज्यादा घनत्व वाला इलाका है। इसके साथ ही देश के सबसे गरीब इलाकों में भी इसकी गिनती की जाती है। अब नए सर्वे में खुलासा हुआ कि यहाँ 47.88% परिवार के पास ही राशन कार्ड है। वहीं 90.74% लोग यहाँ आमतौर पर राशन लेते हैं। दिल्ली के इकोनॉमिक एवं स्टेटिक निर्देशालय द्वारा तैयार किए गए सर्वे के इस बात का खुलासा हुआ है। बाघ उत्थान योजना से मिलेगा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार। 18 जिलों के किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
प्रवासी श्रमिकों को बाघ उत्थान योजना के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न योजनाओं से जोड़कर बाघ उत्थान योजना बनाई गई है। यह योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है, जल्द ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने रविवार को बताया कि इस योजना में 10 वर्ष या उससे ऊपर के फलदार वृक्ष, आम एवं लीची निजी क्षेत्र एवं सरकारी नर्सरियों में स्थित वृक्षों का प्रबंधन कराया जाएगा। 15 सितंबर को बिहार में नगर विकास से जुड़ी 541 करोड़ रुपए की 7 योजना का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 15 सितंबर को नगर विकास से जुड़ी 7 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन योजना को शिलान्यास करेंगे उनमें से 4 प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई, 2 सीवर ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट विकास से जुड़ी है। पीएम मोदी 15 सितंबर को 541 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। ये सभी योजनाएं नगर विकास से जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन बिहार के शहरी विकास और आवास विभाग के तहत BUIDCO द्वारा पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार कर रही है आम लोगों की रसोई में बिजली इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी। केंद्र की मोदी सरकार रसोई में बिजली के इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। केंद्र मंत्री आरके सिंह का कहना है कि यह गरीबों के लिए फायदेमंद होगा। एनटीपीसी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों को उनकी रोजाना की जरूरतों का सस्ता विकल्प देने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ावा देगी। इससे पेट्रोलियम आयात कम करने और देश में आत्मनिर्भर बनाने की मदद मिलेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।